हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन फूड मैनिया में। तो आज हम आपको रवा बॉल्स बनाना बता रहे हैं। रवा बॉल्स बनाने के लिए हमने लिया है रवा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बारीक कटा गाजर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रवा बॉल्स। गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे हम, थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसको गर्म होने देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। राई अच्छे से पक जाए तो हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा भून लेना है। उसके बाद हमें गाजर डालना है और हरी मिर्च, थोड़ा सा पका लेना है। मैंने एक कटोरी रवा लिया है, तो डेढ़ कटोरी अपन पानी डालेंगे। मैं डेढ़ कटोरी पानी लेना है डेढ़ गुना। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, नमक को हमें स्वाद अनुसार डालना है। अब हमारा पानी उबलने लगा है, अब हम इसमें रवा को डालेंगे। हमारा बैटर गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे। अब हमें हरी धनिया डाल देना है। अब ये देखिए, हमें बैटर को इसी तरह से बनाना है। अब ये गर्म है, अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके लिए हमें एक प्लेट में निकाल देंगे। अब डो हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब हम इसको हाथ से छू सकते हैं। अब हम इसकी बॉल बनाएंगे। ये देखिए, इसकी ऐसे से गोल गोल बॉल की तरह बना लेना है। ये देखिए ऐसे से, ये झटपट तैयार होने वाला नाश्ता है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको इसी तरीके से सारी बॉल बना लेनी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ही ऑयल, थोड़ा ही डालना है। डीप फ्राई नहीं करना है हमको, सैलो फ्राई करना है। अब देखिए हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम इससे थोड़ा सा राई डालेंगे। पूरी को हमने दो भागों में काट लिया है। ये बॉल्स को इसमें चलाना है, फिर बॉल फूटे नहीं। देखिए कितनी अच्छी तरह पक गई हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। आपको हमारी सूजी बॉल की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।